हर आदमी अपने चश्मे से देखता है। उसको भी ये बात पता लगेगा कि हिंदुस्तान में अगर पहला IIM आया तो इलाहाबाद में खुला। सर इलाहाबाद में कौन सा IIM है? समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में। सर इलाहाबाद में कौन सा IIM है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नहीं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो नंबर एक पे इलाहाबाद में पूरे देश में। सर कौन सा है बताइए ना, नाम तो बताइए। मैनेजमेंट सर लखनऊ, लखनऊ को हमने सुना था। नहीं नहीं, देखिए नंबर वन पे जो है वो इंडिया का IIM इलाहाबाद आता है। रीजनल इंजीनियर सुनिए, मोतीलाल नेहरू की तो नहीं। हाँ मोतीलाल सर, हाँ। अरे सर वो NNRIC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट का कौन सा इंस्टीट्यूट है? सुनो बताइए, हर जगह बीच में कुत्ते चले जा रहे हो। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, विदेश से नहीं आया। तो बताइए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, वहीं पड़े इसका, विदेश से नहीं आया। बताइए इलाहाबाद में कौन सा नंबर वन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने दिया है? सुनिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बताइए सर, MBA का कौन सा इंस्टीट्यूट नंबर वन है? रीजनल के रूप में जब दिया जा रहा है। इलाहाबाद के राज्य, आपको इलाहाबाद का नहीं पता है कौन सा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में कांग्रेस ने दिया है जो इंडिया में टॉप 10 में आता है? आर्मी की जमीन दी गई ला फैकल्टी खोलने के लिए इलाहाबाद में। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद बोल रहे हैं। आपने आपने जो जानकारी शेयर की वो गलत थी। IIT नहीं, नहीं बात यह है कि गलत जानकारी सर, गलत जानकारी को तो कोई भी बोलेगा ना। इलाहाबाद में कोई कैप्टन मैनेजमेंट नहीं है। पांडे जी गलत जानकारी थी, इसलिए मैनेजमेंट आप असल वजह थोड़ा अपना शिक्षा का दायरा बढ़ाइए। पांडे सर आपके समझ में आ जाएगी, नाम बताइए कौन सा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है जो इंडिया के टॉप 10 में आता है? इलाहाबाद में खुला है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मानिर्भा है मैं मान सकता हूँ, लेकिन टॉप 10 में नहीं आता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ला फैकल्टी किसकी जमीन में खुली है? सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ बोला जाता है मैं मानता हूँ। एक मिश्रा आप ही बताओ किसकी जमीन में खुला हुआ है? सर वो सब मैं मान रहा हूँ, किसकी जमीन? पांडे जी मैं तो ये बोलता हूँ कि कांग्रेस रही है तो इसका मतलब नहीं है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया है। कांग्रेस ने भी जबरदस्त विकास किया है, जितना हो सकता था सारी पार्टियों ने किया है। मेरा सवाल ये था कि इलाहाबाद में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शायद नहीं है, आपने गलत बोल दिया है। जानकारी गलत आई इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ मैनेजमेंट। सर धन्य है सर, कौन सा इंस्टीट्यूट है नाम बताइए? 12 खुल रहे थे मैनेजमेंट। कौन सा टॉप 10 इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का इलाहाबाद में नाम बताइए? इंस्टीट्यूट उसमें पहला इलाहाबाद में खुला है। ठीक है सर, चलिए कांग्रेस में चलिए, मैं मान लिया कि इंडिया का नंबर वन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने इलाहाबाद में खोला है, मान लिया। चलिए आपको नमस्कार सर, अब हो गई सर, आप देखिए गणमान्य लोग हैं, आपकी बात को नहीं मानेंगे। मेरे नॉलेज में तो इलाहाबाद में कोई टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है MBA का। मैं आपको बता देता हूँ इलाहाबाद में क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हिंदुस्तान में 12 खुले तो पहला इलाहाबाद में खुला। वो बात पहला इलाहाबाद सर, वो मैं मान सकता हूँ। मेरा और मैनेजमेंट का दोनों इलाहाबाद में पहला खुला। सर मैं आपको बताऊँ, कॉलेज जो इलाहाबाद सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता के बाद सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की है, मैं इसको भी मानता हूँ। मुझको लग रहा है कि मिश्रा जी आप टीवी चैनलों में अभी जल्दी आना शुरू किया, इसलिए आपको उतावलापन कुछ ज्यादा। अरे सर गलत बात को मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? आपको सुन रहा था, बात उतावलापन की नहीं है। लेकिन नहीं देखिए, आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और नेता है, इसका मतलब नहीं है कि जो आप बोल देंगे मैं मान लूंगा। इलाहाबाद में सर कोई टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। आजकल आज अब मैं कह रहा हूं है, मैं कह रहा हूँ आज भी हिंदुस्तान के 12 एक साथ खुले से पहला इलाहाबाद में खुला। मैं कह रहा हूँ तो सर नाम पांडे जी नाम बताइए, पांडे जी नाम तो बताइए, हमारी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। अरे इस डिबेट के बाद एक के मिश्रा जी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं नहीं हमारे हमारे मिश्रा जी पांडे जी पांडे जी एक मिनट, हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, उनकी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी। सर कोई गलत चीज थोड़ी है कि जो हम छुप के आपसे पूछेंगे। बताइए इलाहाबाद में कौन सा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में टॉप 10 इंस्टीट्यूट में आता हो मैनेजमेंट की? बता दीजिए, ठीक है चलिए ठीक है, मैं पूछ लूंगा सर आपसे। मैं मेरा निवेदन सुन लीजिए जी, मिश्रा जी मिश्रा जी थोड़ा सा मेरा निवेदन सुन लीजिए। ये जितने भी IITs और NITs होते हैं उसमें हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती, मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा उसको उस दिशा में समझ लीजिए कि IIT NIT जो मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इलाहाबाद में,
उसमें मैनेजमेंट की भी आंशिक रूप से पढ़ाई कराई जाती है। पूरे हिंदुस्तान में 12 के पांडे जी को भी आप अपने साथ में समाहित कीजिए, समायोजित कीजिए, मेरा ये निवेदन है। नहीं नहीं, ये मिश्रा जी गलत बोल रहे हैं। पांडे जी आप बढ़िए, आप आगे बढ़ाइए। तिवारी जी सर प्लीज हाथ जोड़ के मेरा सुनिए। अरे सर एक मिनट, पांडे जी आप सुन लीजिए, नेता होने का मतलब नहीं है, सारी चीजें आप सही बोलते हैं। मैं 50 मुद्दे जानता हूँ। मैनेजमेंट इज मिश्रा जी, यहाँ ये मुद्दा नहीं है। हम चुनाव के ऊपर डिबेट पर बैठे हैं। अभी आप दोनों डिबेट के बाद आपस में बात कीजिए, जानकारी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। अरे नाम नहीं बताएंगे हम, नाम लेके चलिए। ठीक है, हम जानकारी दुरुस्त करेंगे। पांडे जी आप बात कीजिएगा, हम जानकारी दुरुस्त करेंगे। आप भी जानकारी दुरुस्त करिए। वैसे तो हम चाह ये रहे थे कि यहाँ बताते तो हमारे दर्शकों की जानकारी दुरुस्त। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है अच्छे जी, और मेरे पास वो है, मैं कहीं ढूंढ रहा हूँ, मैंने सारा कुछ वो मेरे पास है कि किस नाम से है और उसका पहले नाम क्या था, फिर नाम चेंज किया गया, ये भी मुझे मैं बता दूंगा। ठीक है सर, सर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ठीक है, एक बात बीच में आ गई, लेकिन चुनाव की डिबेट चल रही थी, हम मतदान के ऊपर बात कर रहे थे, हम मतदान के ऊपर बात कर रहे हैं, हम वोट प्रतिशत के ऊपर बात कर रहे हैं, हार जीत की बात कर रहे हैं। समय समाप्ति की ओर है और आप में से बहुत मेहमान ऐसे हैं जिन्हें कहीं और भी निकलना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जितना भी कीमती समय हमें दिया इसके लिए। के पांडे जी कांग्रेस की ओर से, पीके तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा केसी जैन समाजवादी पार्टी लखनऊ, राजीव मिश्रा बीजेपी लखनऊ, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एके मिश्रा मेरे साथ अभी आगे चर्चा में बने रहेंगे, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर।